रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे व्हाट्सएप पर कल से लेकर आज तक बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस रिसीव हुए और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेंट मी देयर ऑडियो मैसेजेस इन विच दे टोल्ड मी अबाउट देयर हॉबीज, हैबिट्स एंड रूटीन एक्सेट्रा। One thing which is notable here is that एक बात जो काबिल गौर है इसमें वो ये है कि except one or two students, most of you all were speaking not very much confidently। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे speaking करते हुए आप ये सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। देखिए, जैसे आप नॉर्मली उर्दू बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल बिहेवियर के साथ ऐसा लग रहा था रीड कर रहे हैं या शायद सोच सोच के। दूसरी बात, एक और चीज भी है, नेचुरल स्पीकिंग is actually speaking, unnatural speaking style jo na pakda jata hai bura lagta hai। agar internet disturb kare to wait kar lijiye, dobara aaunga, theek hai, tab tak class end nahi karunga, tab tak class end nahi hogi। to natural speaking style hona chahiye, aisa lag raha hota hai jaise hum bound hai aur zabardasti gun point pe humse ye jumle bulwaye ja rahe hain। please don't behave like that। जाहिर है मैं आपके सामने नहीं हूं यार, आप ऑडियो में कर रहे हैं तो और कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। अभी तो मैं स्क्रीन पर आपको सामने लाऊंगा तो फिर थोड़ा सा हेजिटेशन होगी, वो नेचुरल, उस हेजिटेशन को हम रिमूव करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऑडियो मैसेज में हेजिटेट कर रहे हैं बस बच्चे सोच सोच कर। उसी बात यह है कि इफ यू आस्क मी अबाउट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टेल यू दैट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आई टेक ब्रेकफास्ट or I brush my teeth, no, this is not anything that matters to you। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं बताऊं तो आपके लिए बड़ी अहम होगी सुनने वाले के लिए, नहीं, ठीक है ना। तो वो चीजें ऐड कीजिए जो नॉर्मली मेजर थिंग्स यू डू ऑल ओवर द डे। हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज रिसाइट होली कुरान, देन ब्रश माय टीथ एंड देन वॉश माय फेस एंड ऑफर माय प्रेयर एंड देन आई टेक माय ब्रेकफास्ट, एक एक स्टेप ऐसा लगता है जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रनिंग कमेंट्री करें अपनी एक एक मिनट के ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए, मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं सिंपली यही कहूंगा कि आई एम अ टीचर, I teach in a college. I go to college from 9 to 1, and then after coming back at home, I start my online classes. And yes, a little bit of lunch I take, but I'm not very much interested in taking lunch because I'm not habitual of it. Right? I generally take something to eat casually, and then in the evening I play some sport with my friends, cricket or table tennis, whatever, and after that, having dinner, I start my regular online classes on daily basis। तो ये अब मैंने ये नहीं बताया कि मैं खाना खाते हुए सीधे हाथ से खाता हूँ और खाना खाने से पहले बिस्मिल्ला भी पढ़ता हूँ और खाना खाने से पहले हाथ भी धोता हूँ। ये ऑल दीज थिंग्स आर नॉट नेसेसरी टू टेल समवन, राइट? सपोज यू आर टेलिंग समवन अबाउट योरसेल्फ, तो जाहिर है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वेदर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड और यू ब्रश योर टीथ आफ्टर गेटिंग अप, नो, और यू गेट अप अर्ली और लेट, दैट इज नॉट नेसेसरी, राइट? The things, what do you do whole the whole day? सारा दिन आप क्या करते हैं? उसके अंदर
आप ये भी कह सकते हैं कि आई गेम आई प्ले सम गेम्स ऑन मोबाइल फोन, राइट, आई वॉच टेलीविजन, राइट, दैट ड्रामा इज माई फेवरेट वन, राइट, फेवरेट वन है वो, इसी ड्रामे का नाम ले दिया आपने, राइट. In late night, I read some kind of book, generally of literature or history, right? ये चीजें होती हैं जिससे सुनने वाले पर इफेक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट होगा कि आप कुछ अहम कर रहे हैं. ब्रशिंग योर टीथ इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग टू टेल, है ना. आप ये बताएं कि मैं टूथब्रश कर हूं या करती हूं तो सुनने वाले के लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि वो भी करता होगा या सभी करता है, ठीक है ना. तो इन चीजों का ख्याल. अब जो कल आप मुझे करेंगे ना व्हाट्सएप, आज से कल तक, वो मैं नोट करूंगा कि आपने मेरी इस बात का कितना असर लिया. दूसरी बात मैंने जो नोट की है वो क्या है, देखिए ख्याल कीजिए, व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश डिलीवर अ वर्ड सेपरेटली. Like I am speaking to you, I deliver each and every word separately, doing justice with its pronunciation, right? I am not in any kind of hurry while speaking, because I know why I am speaking to you, because I want to be understood. So each and every word must be clear and correctly pronounced. If the words are pronounced in Urdu or whatever your own language, then that dialect, maza nahi aayega. That will not go. Aisa nahi chalega. Theek hai na? English bolte hue, khayal rakhiye, English ka word hai, English pe deliver kijiye. I get up early in the morning. No, I get, the T is vibrant in get. I get up in the morning. Kitna simple hai yaar. Maine ye to nahi kaha I get up early in the morning. Nahi, please, main mazak nahi uda raha hu. Dekhiye, main akela hu na jisko aapki khamiyan nazar aa rahi hai. Doesn't matter. Isse pehle ki sari duniya aapki khamiyan dekhe. To एक आदमी देख रहा है और वो सही भी करवा रहा है, ये अच्छा नहीं है क्या? ये खामी यहां दूर हो गई तो दुनिया के सामने आप फिर फ्लॉलेसली स्पीक करेंगे, कोई खामी नहीं होगी उसमें, ठीक. और तेज बोलने की जरूरत नहीं है, तहम्मुल से एक एक वर्ड को स्ट्रेस देकर उसकी सही प्रोनंसिएशन के साथ बोलेंगे, एक्सेंट खुद ब खुद बनेगा, राइट. अच्छा, आज की क्लास में एक नई चीज और मैं आपको बताऊं. ग्रीटिंग्स, व्हेन यू मीट समवन, हाउ यू ग्रीट देम, हाउ यू वेलकम देम. आप किसी से मिलते हैं तो कैसे सलाम दुआ कैसे हो, राइट. तो अब उसका क्या तरीका है इंग्लिश में. देखिए, पहले तो हम मुसलमान हैं, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन लाजमी नहीं कि हमारा ताल्लुक मुसलमानों से ही पड़े, ठीक है ना. तो नॉन मुस्लिम भी होते हैं हमारे दरमियान, और जाहिर है कि वो भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि जनाब हमारी जंग है और ये नहीं. कीप योर माइंड ओपन, राइट, क्योंकि हम जनरल लाइफ में रिलीजियस मैटर्स को एक्सट्रीम इन तक इनकल्केट नहीं कर सकते. इफ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, अ पीसफुल लाइफ, वी शुड कंसिडर दैट ऑल ऑफ अस ह्यूमन बींग्स आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ वन फादर, दैट इज एडम. एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑल ब्रदर. We should treat each other as brother to one, to another brother, right? Okay, lecture काफी हो गया, तो मैं यहाँ पर बता रहा था how to greet someone.
One way of greeting is generally, आपने सुना होगा, how do you do? And the other way is, how are you? इसके बाद तीसरा भी बताऊंगा मैं. How do you do? अच्छा ये how do? कैसे बोलेंगे how do you do? बोल सकते हैं, बुरा नहीं लगेगा. How do you do? लेकिन खूबसूरत कब लगेगा, जब इसको यूं पढ़ेंगे. अब इसकी आदत डालें, ये चीजें होनी चाहिए जो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल होती ना. ये होना चाहिए How do you do? मैंने आवाज लिखी, मैं कैसे बोल रहा हूँ, How do you do? How do you do? Simply, how do you do? How do you do? How are you? How are you? You can deliver, you can utter each and every word separately. How are you? That's very, very good. But if you say, how are you? That's also good. How are you? How? यहीं से मिल जाएगा. Are you? How are you? How are you? How are you? Both are correct. How do you do? Are you? But there is a difference between how do you do and how are you. ये समझना होगा. How do you do का क्या मतलब? कौन बताएगा भाई? I'm waiting for your reply. हाँ जी. How do you do? When we say how do you do and when we say how are you, and what should be the answer to them? That is the thing what I will teach you today. आप कैसे हैं? अच्छा वैसे what to word meaning देखें ना, लफ्जी तर्जुमा देखें तो how do you do means आप कैसे करते हैं. हाँ what's going on भी एक तरीका है. तो basically इसका ये मतलब नहीं आप कैसे करते हैं. तो ऐसे किसी ने मुझसे पूछा how do you do, the same way you do, जैसा आप करते हैं वैसे मैं करता हूँ. तो ऐसा नहीं है भाई. How do is a very in very 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 much formal way of greeting. ठीक है, ये formal है, ये formal greeting है. Number one, formal का मतलब पुरतकल्लुफ, ये बेतकल्लुफ अंदाज नहीं है. When especially when you meet someone unfamiliar to you, unfamiliar का क्या मतलब, मैं अगर कहूं कि unfamiliar to you or you meet someone first time, first meeting, किसी नए शख्स से मिल रहे हैं जिससे आज से पहले आप कभी नहीं मिले, अभी तारुफ नहीं हुआ है, ठीक है ना. तो यू से हाउ डू यू डू, हाउ आर यू नहीं कहेंगे. ये हाउ डू यू डू बता रहा है कि आपकी पहली मुलाकात है, पहली बार मिल रहे हैं. और इसका रिप्लाई दो बनते हैं. हाउ डू यू डू का एक रिप्लाई तो हाउ डू यू डू है जनरली, जैसे हम कहते हैं ना हाँ भाई कैसे हो, दूसरी तरफ से भी जवाब आता है हाँ भाई और कैसे हो, तो सेम आंसर आ गया है ना. तो ये एक्चुअली इन वर्ड्स के मीनिंग मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं ये वर्ड्स खुद. हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ये हाउ डू यू का रिप्लाई भी हाउ डू यू हो सकता है. दूसरा रिप्लाई क्या होगा, हाउ डू यू डू, नाइस टू मीट यू, ये नाइस टू मीट यू इसका रिप्लाई. माई प्लेजर टू मीट यू, I feel very much pleased to meet you. अब आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, मजीद खूबसूरत बना सकते हैं. Nice to meet you. तो how do you do कब यूज होगा, when you meet someone for the first time, जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, तारुफ नहीं हुआ है, ठीक है ना, आप जानते हैं कि वो कौन है लेकिन मुलाकात पहली मरतबा, यहां पहली मरतबा मिला रहे हैं,
जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में भी आप क्या कहेंगे, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, दूसरी तरफ से जवाब आएगा, राइट? अच्छा, द सेकेंड वे ऑफ ग्रीटिंग इज हाउ आर यू, हाउ आर यू इज ऑल्सो अ वे ऑफ ग्रीटिंग, वेरी नाइस. इट इज अ लिटिल बिट इनफॉर्मल, थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, ज्यादा इनफॉर्मल नहीं, ठीक है? और ये टू नोन पर्सन, जिसको आप जानते हैं उससे ही कहेंगे ना ये, हाउ आर यू, हाँ भाई कैसे हो, नोन पर्सन. एक तो ये कि पर्सन जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो, नोन हो, फेमिलियर हो, और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा इनफॉर्मल, ज्यादा इनफॉर्मल नहीं, मीडियम. बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है. अच्छा, हाउ आर यू का आंसर क्या होगा, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, ठीक है, आई एम वेल, वेल इनफ. मतलब आपने यही कहना ना यार, तू 10,000 तरीके लाजमी थोड़ी हर बार आई एम फाइन थैंक यू ही कहें, राइट? हाउ आर यू, वेल इनफ, हाउ आर यू, फॉरन रिप्लाई कर, आप रिप्लाई में आपने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है? तो ये अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग में एक बात का ख्याल रखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग में जब आप, व्हेन यू आर अ बिगिनर इन स्पीकिंग, यू शुड लर्न टू थ्रो द बॉल इन द अदर अदर कोर्ट. आपको ये सीखना पड़ेगा कि बॉल सामने वाले के कोर्ट में कैसे फेंकी जाए. यानी जैसे ही आया सवाल, आपने जवाब देकर अगला सवाल कर डाला, ताकि आप वो बोले. इन द बिगिनिंग आपको ये करना पड़ेगा. ऐसा ऐसा फिर आपका दिल चाहेगा, यार वो क्यों बोले, मैं ही क्यों ना बोलू, तो मुझे आती है तो फिर आप बोलेंगे. तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं स्पीकिंग की. तो हाउ आर यू, इट्स इनफॉर्मल बट नॉट वेरी मच इनफॉर्मल, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल है. इससे ज्यादा इनफॉर्मल क्या है, अब आपने कहा था ना व्हाट्सएप, व्हाट इज अप और व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज को हम कर देते हैं व्हाट्स स्पीकिंग में ना, व्हाट्स गोइंग ऑन. तो ये बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल है, ठीक है? ये अगर मैं कहूं कि हाईली इनफॉर्मल, ये तो बहुत ही इनफॉर्मल हो गया ना, किसी दोस्त यार से. अच्छा देखिए ना, आप तो अंकल से मिल रहे हैं, तो अंकल से आप, अंकल है जाहिर है वो स्ट्रेंजर तो नहीं है, तो हाउ डू यू डू तो नहीं चलेगा. अंकल से मिल रहे थे, हाउ आर यू अंकल, ठीक है? लेकिन अंकल से मिल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं व्हाट्सएप, तो ये बड़ा अजीब लग रहा है, इसमें बदतमीजी आ गई. हाँ, दोस्त यार से मिल रहे हैं तो व्हाट्सएप चलेगा, भाई से मिल रहे हैं व्हाट्सएप चलेगा. व्हाट्स गोइंग ऑन, छोटे से मिल रहे हैं तो चलेगा, किसी छोटे बच्चे से, हाँ भाई व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ डेज, क्या हो रहा भाई आजकल, क्या चल रहा है, व्हाट्सएप. ये इनफॉर्मल है, हाईली इनफॉर्मल, ठीक? तो जाहिर है इसके जवाब के अंदर आपने यही बताना है जो आप कर रहे हैं. अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बता देंगे, लेकिन आमतौर पर जवाब होता है नथिंग स्पेशल, नथिंग वेरी स्पेशल, तो खास नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग वेरी स्पेशल, ठीक है? अब मजीद पूछा जाए तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट आर यू डूइंग, बट जनरली द आंसर इज नथिंग वेरी स्पेशल, ठीक है ना, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट इफ यू आर बिजी इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम हु इज आस्किंग यू व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, यू विल से सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ, हेलो व्हाट्स अप, सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ, हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन, आई विल टॉक टू यू लेटर. ये भी इसका जवाब है, इसका मतलब आप बिजी हैं भाई, बाद में बात करेंगे. तो जाहिर है उसने इनफॉर्मली कहा, तो आपको भी कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, आपने भी इनफॉर्मली बता दिया कि मैं बिजी हूं. तो ये इनफॉर्मल रिलेशन में चलता है, ठीक? ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है, चीजें रिवाइज कीजिएगा आपको, सही है? अच्छा, एक और चीज, ये तो हो गया जनाब. तो फॉर, अब मैं रिव्यू कर रहा हूं उसका एक दफा. फॉर्मल ग्रीटिंग है, हाईली फॉर्मल ग्रीटिंग, हाउ डू यू, हाउ डू यू, हाउ डू यू, नाइस टू मीट यू, क्वेश्चन एंड आंसर. अ लिटिल बिट ऑफ इनफॉर्मल,
यानी 50-50, इनफॉर्मल भी है फॉर्मल भी है, यूं समझ लीजिए. हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू. हाउ आर यू? वेल इनफ. हाउ आर यू? बॉल दूसरे के कोर्ट में डाल दी है ना. इस चीज को सीखिए, ये चालाकियां भी सीखनी पड़ेंगी साथ में ना स्पीकिंग के, और जहन को हाजिर रखना पड़ता है यार. मैंने कहा ना अभी, बाद बच्चे मुझसे कह रहे थे इस तरह से कि जैसे गन पॉइंट पे बुलवाया जा रहा हूँ, वो असल में जहन पे तारी कर लेते हैं. वो इंग्लिश बोलनी है बस, अब मुंह के बैठो थोड़ा सा है ना, यूं के और तो पसीना पोछे थोड़ा सा. हाँ भाई अभी इंग्लिश बोलनी है. नहीं ऐसा नहीं चाहिए भैया, तो बड़ी चीज थोड़ी है यार. वहां बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है इंग्लैंड में है ना, जैसे और क्या है. व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई विल टॉक टू यू लेटर प्लीज, आई एम बिजी राइट नाउ. खत्म हो गई. इस तरह से भी होता है राइट. अच्छा चले ये हो गया. अब एक चीज और सिखा रहा हूं, ये तो मैंने रिव्यू कर दिया ताकि भूल ना जाए. एक चीज और, कभी कभी ना आप टेलीफोन पर किसी से पूछते हैं Where are you? और दूसरा है Where have you been? दोनों के मीनिंग्स उर्दू में सेम है. जैसे हम कहते हैं ना कहाँ हो, तो अब if you are asking someone on telephone, on mobile phone, Hello, Amjad, where are you? It means you want to ask him his position, his location, where he is right now. आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है आप पूछते हैं अरे भाई कहाँ हो, इसका मतलब आप पूछना चाह रहे हैं इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई, कहाँ हो आजकल. अब ये वेयर आर यू नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, वेयर हैव यू बीन. वेयर हैव यू बीन का मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब ये फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडरस्टूड से मेंशन नहीं किया था, कंप्लीट सेंटेंस इज वेयर हैव यू बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम. Where have you been for so long? भाई इतने अरसे से कहाँ हो? तो ये for so long, for a long time ये understood होता है, इसे mention नहीं किया जाता क्योंकि have been से पता चल गया कि ये बहुत लंबे अरसे की बात हो रही है. तो फिर आप कहते हैं where have you been? तो फिर इसमें बताया जाता है कि I was actually busy, I've been busy in my co-curricular activities at college and etc. etc. जो भी बताना चाहें, तो फिर वो आप डिटेल बताते हैं, बहाने वगैरह बनाते हैं. लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, वेयर आर यू मीन्स राइट नाउ एंड वेयर हैव यू बीन मीन्स फॉर सो लॉन्ग, इतने अरसे से कहां थे. हाँ भाई ये समझ में आया ठीक. अब कीजिए कोई सवाल. अगर यहां तक जो मैंने बताया है इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बिल्कुल पूछिए. अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन का मसला भी हल कर दिया मैंने, व्हाट्सएप का भी मसला हल कर दिया. अच्छा ये व्हाट्सएप में अक्सर देखता हूँ ना, बच्चा अपने बाप से पूछ रहा था हेलो पाप व्हाट्स अप, ये बदतमीजी है. इंग्रेज तो कभी नहीं पूछेगा अपने बाप से इस तरह, जैसे हम उर्दू में कभी नहीं हिम्मत कर सकते ना कंधे पे हाथ रखे पूछे हाँ भाई क्या चल रहा है, अब्बा से ऐसे तो नहीं पूछते. तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा. देखिए लैंग्वेज दो किस्म की होती है, एक वो लैंग्वेज होती है जो फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल. फॉर्मल लैंग्वेज कहाँ यूज करनी चाहिए, जाहिर है टीचर्स के साथ, वालदेन के साथ, बड़ों के साथ, थैंक यू कौसर फातिमा, और ऑफिस में या अनफेमिलियर प्लेसेस पर जहां आप गए हैं पहली बार, बेतकल्लुफ नहीं हो सकते, वहां पर आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं. कैन वी से वेयर हैव यू बीन, किससे, मुझसे, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल. कल तो क्लास ली है यार मैंने. अच्छा got your point sir, thank you Mark. तो इंशाल्लाह मैं परसों वाली क्लास जो अरेंज करूंगा ना वो लाइव होगी और वो स्ट्रीम यार्ड पर होगी यूट्यूब पर, मजा आएगा. अच्छा जी तो होता ये है कि फॉर्मल लैंग्वेज वहां यूज करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज हम कहाँ यूज करते हैं, दोस्तों में, यारों में, सहेलियों में, क्लासमेट्स के साथ, बहन भाइयों में, कजन्स में, है ना, यहाँ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज. अच्छा उसमें भी बड़े छोटे का ख्याल रखते हैं.
तो आप बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं भी होना चाहते तो एटलीस्ट आपके पास हाउ डू यू डू नहीं तो हाउ आर यू तो है, इट इज अ लिटिल बिट फॉर्मल एंड लिटिल बिट इनफॉर्मल टू, तो दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी इन द बिगिनिंग, और ये जुमले वो हैं जो आपने याद रखने, बनाने थोड़ी हैं आप, ये जुमले बनाते थोड़ी हैं आप, ये जुमले आपको याद होते हैं, ये क्रैमिंग होती है ना इसकी, आदत डालनी पड़ती है अपने अंदर, हैबिचुअल होना पड़ता है कि आप किसी से मिल रहे हैं तो आपको मुंह से निकले वो लग जो निकलना चाहिए, पूरा पूरा जुमला वही निकले, तो वो रटा हुआ होता है। तो चंद बातें ऐसी होती है, जैसे उर्दू में भी अस्सलाम वालेकुम हम सोच के तो नहीं कहते कि अलिफ लाम सीन अस्सलाम सलामती हो वालेकुम आप पर, ये सोच कर तो नहीं बोलते ना, हमारे मुंह से डायरेक्ट निकलता है अनकॉन्शियसली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये यूज करना है। वेयर हैव यू बीन एक्सप्लेन सर जी, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, अच्छा आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है आई डू नॉट, अच्छा ये एम का और डू का मतलब बड़ा गंभीर है, मैं भी बताता हूँ, इससे सवाल भी आया था एक, वेयर हैव यू बीन, अच्छा अगर मैं एक जुमला लिखूं यू हैव बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, इस जुमले का मतलब क्या, तुम सो लॉन्ग इतने अरसे से वहां हो, तुम इतने अरसे से वहां हो, है ना। अब जब मुझे पता नहीं कि कितने अरसे से कहाँ हो तो फिर मैं क्या पूछूंगा, ये वेयर देयर की जगह क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, और जाहिर है इंटरोगेटिव बनाना चाहता हूं तो ये हैव पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, अरे भाई इतने अरसे से कहाँ हो, एक मिनट, कंफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस वेयर विल वी विल यूज नॉट, कंफर्मेटिव नेगेटिव, यूनुस का सवाल है, पहले मैं ये टर्म लिख लूं यार, ये पहली मतलब बस नाउन, कंफर्मेटिव नेगेटिव, चलो इस पर अभी बात कर लेते हैं, वैसे ये सवाल ग्रामर का है लैंग्वेज का नहीं। अच्छा तो मैंने कल भी कहा था कि हम इसमें ग्रामर में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसमें तो हम स्पीकिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स में ना अक्सर होता क्या है, चैंपियन लोग क्या करवाते हैं, एक महीना डेढ़ महीना टेंसेस पढ़ा रहे होते हैं जम के, यहाँ भाई पहले तो टेंसेस सीख लो फिर इंग्लिश आएगी, बस यही सत्यानाश हो जाता है बच्चे का, भाई स्पीकिंग सीखने आया उसे बुलवाओ, उसे मजबूर करो बोलने पर, बुलवाओ उसे, पाकिस्तान से एक मैट्रिक फेल इंग्लैंड चला जाता है, उसे जॉब मिल जाती है, वो छह महीने जॉब करके जब वापस आता है छुट्टियों पर तो इंग्लिश बोल रहा होता है, उसको किसने टेंसेस पढ़ाए वहां, किसी ने भी नहीं, एनवायरमेंट टीचेस अस, तो यहां बोलने का एनवायरमेंट पैदा करना चाह रहा हूं ना मैं, अब ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है लेकिन भारत जितना मुमकिन है मैं करूंगा, मैंने कहा ना स्ट्रीम यार्ड पे भी करेंगे हम, और आपसे भी कहूंगा कि एक कंपनी बनाओ, चार पांच दोस्तों की कंपनी बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं, आपस में नहीं, अपने तौर पर अपने दोस्तों में कजन्स में, और बोलियो उसमें, हाँ स्टूडेंट्स में आप किसी ना किसी क्लास में तो पढ़ते होंगे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, वहीं चार पांच दोस्त मिलकर एक टाइम फिक्स कर लो भाई, इस टाइम में बैठा करेंगे आपस में इंग्लिश बोलेंगे, I assigned a work to an employee after pressing 2 days, after passing 2 days, क्या हो गया? I assigned it to complete the task, but the work hasn't completed yet. Sir, there is confusion between past and present. Huh? I assigned Mr. Aslam to complete the task, but the work hasn't been completed yet. एक तो ये hasn't been completed होगा, passive voice होगा. दूसरी बात ये है कि बिल्कुल सही है, simple past और present perfect का combination तो है, मैंने grammar में पढ़ाया है, YouTube पर भी पढ़ाया है, ठीक है ना, इसे past और present में confused क्यों हो रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, मैंने काम दिया था मगर उन्होंने अभी तक नहीं किया है, yet
अभी तक लेकर आ रहा है ना इसको, और दिया आपने पास्ट में था, दोनों क्लॉजेस सही है बिल्कुल, बस हैव हैज बीन होगा। अच्छा जी, लेकिन फिर भी ये ग्रामर की क्लास नहीं है। तो वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, अरे भाई इतने अरसे से तुम कहाँ हो, तो फिर ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं इस वक्त काम। अच्छा, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ ग्रुप वर्क, सो यस ऑफ कोर्स आई नो वेरी वेल, तो वी कैन यूज सम ऑफ देम बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम बिकॉज वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस नॉट फिजिकल, ब्रेकिंग कंटिन्यूसली कांट, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑन योर ओन साइड, यू कैन चेक योर डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज मुझे तमाम स्टूडेंट्स ने कहा है कि ऑल इज क्लियर, राइट। तो ये होता है कभी, बारह क्लास इज बींग रिकॉर्डेड एंड यू कैन वॉच इट लेटर, जितनी मरतबा चाहे देख सकते हैं, बाद में रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, आपका इंटरनेट कभी स्लो होता है, कभी मेरा इंटरनेट, तो ऐसा होता है। टेक्नोलॉजी का जब हम मोहताज बन जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं और वहाँ हम मजबूर होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव तलाश करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव ये है कि रिकॉर्ड हो रही है क्लास और गूगल क्लासरूम पे अपलोड होगी, जो चीज़ें यहाँ आपकी समझ नहीं आएंगी वहाँ समझ में आ जाएंगी, 10 मरतबा रिवाइज करें आप। पार्ट सब्सक्राइब वेरी नेसेसरी बिकॉज दिस टॉपिक इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग, अरेंज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच ले बेटा, मैं फाउंडेशन कोर्स करवाता हूँ ना, फाउंडेशन कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत डिटेल में करवाए मैं, ठीक है। तो फाउंडेशन क्लास में एडमिशन ले लीजिए आप, जो रीसेंट फाउंडेशन क्लास चल रही है उसके 20 लेक्चर हुए हैं और जो ओल्ड फाउंडेशन क्लास है उसके 54 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा आप ये रीसेंट क्लास में एडमिशन ले लीजिए, 20 लेक्चर्स में सिर्फ 20 लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, बाकी आप लाइव अटेंड करेंगे, ठीक है, तो उसमें कर सकते हैं आप। अच्छा जी, 12, तो यहाँ तक तो मसला हल हो गया। प्रोनंसिएशन के बारे में कल डिस्कस करते हैं, मैंने आज शुरू में कर दिया था थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह कल की क्लास में आगे चलेंगे। मुझे अब आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर मोर कैन कॉन्फिडेंटली देन दैट ऑफ यस्टरडे, है ना, कल के मुकाबले में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इत्मीनान से पॉइंट्स लिख लो पहले सामने, कई मरतबा उसको डिलीवर करने की रिहर्सल कर लो, उसके बाद डिलीवर करो। शुरू शुरू में ये करना पड़ेगा भाई, जब आप यूज टू हो जाएंगे तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप थिंकिंग इन इंग्लिश करना आपके लिए मुश्किल होता है, अटकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, याद रहें, आबाद रहें, फीडबैक जरूर भेजिएगा।